তব কথা তপ্তজীবন কবিভৃত কলম শপ্রবণমঙ্গল শ্রীমদি গৃহন্ত জ্রী শ্রী ঠাকুর আম आनंद का ओर आह्वान कर रहे हैं जो खुद जो आनंद उपलब्धि कर रहे हैं आंख खोलकर एवं आंख बंद करते हुए चाहते भक्तगण भी अनुरूप वो आनंद उपभोग उप उप करे इसलिए अंतरंग भक्त को उत्साहित कर रहे हैं और परामर्श दे रहे हैं कौन मानसिकता से वो आनंद उपलब्धि किया जाए ये सिर्फ हमारे मानसिकता के परिवर्तन से मिलेगा ध्यान का विषय है ध्यान देने का विषय है वे आर ऑल कैपेबल Of enjoying the supreme bliss in our life, just by little orientation of our mental attitude, मानसिकता को परिवर्तन जरूरी है तो एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर वो कहते हैं कि ये आनंद उपलब्धि करने के लिए साधन चाहिए सिर्फ शास्त्र पढ़ के नहीं होगा हम जानते हैं हमारे जीवन में भी देर आर टू वेराइटीज ऑफ नॉलेज एक थ्योरिटिकल एक प्रैक्टिकल थ्योरिटिकल यो है इसको ज्ञान कहलाता है समझना चाहिए इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो पहले चाहिए तभी तो नाम कर पाएंगे लेकिन वो वन पार्ट है और दूसरा है उसको जीवन में उतारना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट नॉलेज इंटू रियलिटी जिसे विज्ञान में भी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान हमें बुद्धि देते हैं ज्ञान देते हैं कि इसे कौन चीज होता है फिर वो ज्ञान किसे हम जीवन में रूपांतरित करें वो हमें तकनीक सिखाते हैं अप्लाइड साइंस इंजीनियरिंग जिसको कहलाता है साधारण बुद्धि से जिसे उदाहरण से समझा जाता है कि पानी के भीतर शक्ति है पानी के भीतर शक्ति है उस शक्ति को हम विद्युत शक्ति में रूपांतरित कर सकते हैं विज्ञान हमें समझा देते हैं लेकिन वो चीज समझ लेना एक चीज है फिर बाद में वो ये विद्या को कैसे हम जीवन में रूपांतरित करें इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है वही पानी को बांध देके उससे ऊर्जा पैदा करते हुए टर्बाइन से घुमा के जनरेटर से जब जनरेटर बिठा के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके उसमें ऊर्जा पैदा होता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है उसमें बिजली जलता है पूरा शहर आलोकित होता है वो बिजली हमें जीवन में रोशनी देता है उसी भगवान के बारे में जानना और उसको जीवन में उतरना उसको अनुभूति में लाना यही जीवन का लक्ष्य है और इसमें एक प्रतिबंधकता है कि ज्ञान में भी एक आनंद है एवं ज्ञान वितरण करने में भी आनंद है ये समझना पड़ेगा हमें जीवन में जीवन का लक्ष्य है ईश्वर के आनंद उपलब्धि करना ये है फाइनल गोल ईश्वर के आनंद उपलब्धि करने में अनेक स्तर है जिसे कहा गया है आनंद का विभिन्न डायमेंशन है हम शुरुआत करते हैं तमोगुण और रजोगुण का आनंद में आलस्य जड़त मूढ़ता भी एक आनंद है निष्ठियता के आनंद निद्रा के आनंद उसके बाद जब हम जागृत अवस्था में आनंद लेते हैं रजोगु उनके माध्यम से इंद्रियों के विषय से इंद्रियों के संयुक्ति से वो भी उच्चतर ना आनंद है हायर डायमेंशन ऑफ जॉय और उसके आगे भी है मानसिक आनंद इंटेलेक्चुअल जो है इंटेलेक्चुअल प्लेशर और सूक्ष्म है और भी तीव्र है लेकिन वही शेष नहीं है ये समझना पड़ेगा और जब हम उस आनंद में फंस जाते हैं अटक जाते हैं तब तो हमारा है आगे का अग्रगति स्तब्ध हो जाता है इसलिए हमें एक संत का वाणी सर्वदा याद रखना चाहिए रामकृष्ण मठ मिशन के पूर्वज सहाध्यक्ष थे स्वामी जतीशरानंद जी महाराज जो कि स्वामी ब्रह्मानंद जी के मंत्र शिष्य थे एवं विदेश में परमरत थी उसके बाद बेंगालुरु आश्रम का प्रतिष्ठा किया था प्रतिष्ठा नहीं के, किया बेंगालुरु आश्रम का परिचालन किया बेंगालुरु आश्रम प्रतिष्ठा थे स्वामी रामकृष्णानंद जी बेंगालुरु आश्रम का जो नींव एवं वृद्धि वो स्वामी जतिशरण जी का कीर्ति है हमारे वर्तमान सह अध्यक्ष स्वामी गौतमानंद जी के उन्हें गुरु थे वो कहते थे डेवलप हायर इंटरेस्ट ऑफ लाइफ जीवन का उच्च से उच्चतर जो रुचि बनाओ वो जरूरी है सो कंटिन्यूस हायर इंटरेस्ट ऑफ लाइफ इज द मेजर ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आध्यात्मिक अग्रगति का मतलब क्या है आनंद का जो क्वांटिटी नहीं बढ़ाना क्वालिटी बढ़ाना अगर हमें जो गलत है वह है वी हैव टू मल्टीप्लाई सेम डायमेंशन ऑफ जॉय विच इज रॉन्ग वी हैव टू ग्रो इन टू हायर डायमेंशन ऑफ जॉय अभी होराजेंट्रल डायमेंशन है वर्टिकल डायमेंशन में परिवर्तन करना पड़ेगा वोरेजेंट्र में ज्यादा जाने से आउट वंथ हो जाएगा इसे उदाहरण दिया जाता है हमें जो विषय आनंद मिलता है इंद्रिय सुख ये आँख है दृष्टि से उसको आनंद मिलता है आँखें दो है तो जब आँख के साथ दृष्टि का जुक्ति होता है दृश्य का जुक्ति होता है तो ये नंदन होता है दृष्टि नंदन होता है आनंद मिलता है लेकिन वो सीमित है वी हैव ओनली वन पेयर ऑफ आइज अनफॉर्चुनेटली तो इन लोग सोचा अगर आनंद बढ़ाने का क्या उपाय है अगर यो वी हैव लार्जर नंबर ऑफ आइज अगर ज्यादा आंखें होते तो ज़्यादा आनंद होगा सिंपल गणित है अचे रिथमेटिक अगर दो आंखें हैं अगर तीन आंखें हो जाएंगे तो हमारा फिफ्टी परसेंट बढ़ जाएगा तो कल्पना किया देवता का तीन आके हैं तीन है। फिर अगर आगे बढ़ना है तो हम इन लोग कल्पना किया जो अगर देवता का शरीर मिले और देवता में देवता राज जो है इंद्र वो है सहस्राक्ष एक हज़ार आँखें हैं तो कितना है पाँच सौ टाइम फाइव हंड्रेड टाइम्स मोर हो गया अर्थात अभी जो आँखें से जो आनंद मिल रहा है सो पाँच सौ गुना ज़्यादा होगा लेकिन वो भी तो सीमित है वो तो असीमित नहीं है तो ये जो सोचा कि ठीक है इस दुनिया के बाद हम स्वर्ग में चले जाएंगे इंद्र का पद पर प्राप्त होंगी इसके लिए हम फिनांस करें तपस करें करके इधर जाने के बाद जब वो परजय में पहुंचा तब तो देखा अरे ये तो भी सीमित है फिर आउट भी आनंद पाने के लिए पुनः हम धराधम में आते हैं फिर प्रयास करने के लिए इसी को साधन कहलाता है टू डेवलप हायर इंटरेस्ट ऑफ लाइफ तो भी हमारे जो भक्तगण का जो जीवन है सब प्रयास कर रहे हैं वो आनंद पाने के लिए किंतु तो ठाकुर हमें चेतावनी दे रहे हैं तुम्हें तो आखिर कहाँ पर जाना पड़ेगा अरे उदाहरण का सरी माध्यम से रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हुए हमारे जो भीतर में जो बढ़े हैं जिसको मान्यता प्राप्त हुआ है प्रतिष्ठित है सर्वजन वरण्य है उन्हीं का उदाहरण उपस्थापन करते हुए ईश्वरचंद्र विद्यासागर चंद्र चट्टोपाध्याय आदि इनके साथ सुनते भी नहीं व्यक्तिगत परिचय करके वार्तालाप करके उनका भीतर छानबील करके फिर ठाकुर ने मंतव्य किया इज नॉट ब्लाइंडली थ्रोइंग हिज कॉमेंट्स ही हैड रियल लाइफ इंटरेक्शंस उसी के बाद ही कहते हैं कि ये जो मनोवृत्ति है कि शास्त्र चर्चा करते हुए हम इसका भी एक आनंद है ये भी लेते हैं लेकिन दिस इज ए ट्रांकेटेड ट्रांकेटेड फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी उनके सामने महिमाचरण के साथ ये बातचीत हो रहा है वे महाशास्त्र पंडित है ठाकुर के भक्त है ठाकुर उनको आह्वान कर रहे हैं संशोधन कर रहे हैं दृष्टि दृष्टिभंगी बदलना जरूरी है और आगे जाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा और उसका इंगित हमारे शास्त्र में है जिसे हम लोग ऑलरेडी चर्चा किया है कि आनंद ही हमारा स्वरूप है वी आर वी हैव द बर्थ राइट टू हैव ब्लिस आनंदम रंभेदी वैजानाथ एवं कहा जाता है वो आनंद का जो स्रोत है उत्स है सोर्स है वो हमारे हृदय मंदिर में ही है उपनिषद कहते हैं हृदय गुहा में निवित वो आनंद का स्रोत है उसको प्राप्त करना है और वो आनंद का परिमाप क्या है दैट इज इम्पॉर्टेंट वट इज द डायमेंशन ऑफ दैट जॉय आनंद किसको कहलाता है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं वो आनंद है जो मई भूमा सुखम नाल पे सुखम मस्ती दैट विच इज लिमिटेड सीमित है वो आनंद नहीं है आनंद का परिभाषा है आनंद का डेफिनेशन है संगा है इट शुड बी लिमिटेड लिमिटलेस असीमित होना चाहिए तीन डायमेंशन है असीमित होना चाहिए लिमिटलेस इट शुड बी कंटिन्यूअस निरंतर और इट शुड बी एवर एग्जिस्टिंग अनंत आनंद अनादिकाल से आनंद उपभोग करना है एवं निरंतर आनंद और वो भी आनंद कैसे हम समझेंगे हमारा समझने के लिए उपनिषद में ये व्याख्यान हुआ है ब्रह्मानंद मीमांसा तो उपनिषद के द्वितीय अध्याय में कहा गया है ब्रह्मानंद बल्ली उन्होंने कहा अच्छा मान लो जो आनंद के बारे में हमें परिचिति है जगत का आनंद है उसका एक यूनिट कहलाए वन यूनिट ऑफ दैट आनंद जो एक युवा है वो सर्वश्रेष्ठ युवा है आशिष्ट दृढ़िष्ट बलिष्ठ मेधावी बलशाली पूरे दुनिया का वित्त उनके दखल में है समस्त प्रकार का भोग उनके अधिगत है वो आनंद उपभोग करने के लिए काबिल है स्वस्थ है युवा है एवं जितने संसाधन होना संभव उसके आपस में है द मैक्सिमम पॉसिबल टू एन्जॉय इन दिस वर्ल्ड बाई ए यूथ ऑफ इन्फिनिट कैपेसिटी इन्फिनिट पावर ऑफ एंजॉयमेंट इन्फिनिट मतलब जितना हमारे परिभाषा में शरीर में जितना हो सकता है ये वन यूनिट है अच्छा यू मल्टीप्लाई दिस विथ हंड्रेड एक सौ से गुणित किया दिया जाए शतः क्योंकि उसमें एक क्वानिफिकेशन करना चाहिए तो इसे मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड होगा अच्छा ये जो इस जो मनुष्य का आनंद है वो अभी हायर डायमेंशन में चले गए तो मनुष्य गंधर्व जो है उसको एक यूनिट है इसका हंड्रेड यूनिट का जैसे तो अगर इस दुनिया में हम पुण्य अर्जन करते तो हम लोग मनुष्य गंधर्व लोक में चले जाते फिर उसके भी हंड्रेड यूनिट मल्टीप्लाई करें, फिर उसके भी हंड्रेड करें, तो सौ हजार दस हजार लाख करोड़ ऐसी करते बढ़ती जाएंगे तो मनुष्य गंधर्व के आगे है देव गंधर्व उसका आगे है गंधर्व लोग उसके आगे आए पितृलोक फिर देवलोक आगे बढ़ते जा रहा है फिर बृहस्पति फिर ब्रह्म लोक ऐसी करके आगे बढ़ते हुए आखिर में चले गए ब्रह्म ब्रह्म विद्या वेन यू कैनॉट एनी फारदर मैक्सिमम इट इज पॉसिबल अर्थात अनलिमिटेड वो आनंद हमारे हृदय में विद्यमान है उपनिषद का वाणी है और वो आनंद पाने से हम अभय हो जाते हैं भयहीन हो जाते हैं अभयम प्रतिष्ठा तो आनंद कैसा है उसमें कहते हैं, जतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह उसको कितना आनंद है वो बोलने के लिए मन और वाणी असमर्थ है जिसको हम आरती में कहते हैं नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत तो। मनोवचनिका एकाधार वही है ईश्वरीय आनंद जिसको हम व्याख्यान करने के प्रकाश करने में असमर्थ है क्योंकि वाणी यार मन का वहाँ प्रवेश अधिकार नहीं है तभी वो आनंद जब तक उपलब्धि नहीं होता है तब तक हमारा जीवन का लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा ये पहले हमें याद रखना पड़ेगा दिस इज अवर गोल एंड व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन एक उदाहरण से दे रहे हैं टेक फॉर एग्जांपल द केस ऑफ विद्या ईश्वर चंद्र विद्याशा बोध बन ठाकुर कहते हैं महानुभाव है अनेक विद्या शिक्षक किया है एवं वो शिक्षा वितरण करते हैं शिक्षक है आचार्य है लेकिन ठाकुर कहते हैं पौड़ा एवं पोड़ी और आनंदो इज जॉय इज लिमिटेड बाय शेयरिंग हिज नॉलेज थियोरिटिकल नॉलेज विद अदर्स लेकिन वो आनंद जिसके बारे में कहा जाता है उसके बारे में उसको जानकारी नहीं हुआ साइंस तक सीखा है टेक्नोलॉजी नहीं सीखा है जिसके बारे में कहा जाता है ईश्वर के बारे में कहा जाता है रसो वई कहा जाता है ये सब जानते हैं लेकिन रस क्या है उसको आस्वाद नहीं किया है ठाकुर कहते हैं अगर एक बार वो आनंद का स्वाद उनको मिल जाता था तब और ये सब काम नहीं कर पाते थे तब वो आनंद का पीछे उसको दौड़ना पड़ता था कारण वो हमारा जन्मगत अधिकार है चुंबक जैसे लोहे के का छलगा कर वो आकर्षण करते हैं वैसे ही हम लोग सर्वदा आनंद से आकर्षित होते रहते हैं इनके जीवन में मैग्नेट है क्या पढ़ाना लेकिन जब ईश्वर का जब मैग्नेट होगा चुंबक होगा और शक्तिशाली है तब ये छोटा मैग्नेट तुच्छ हो जाएगा तो हम जो कह रहे हैं उसका जांच होना चाहिए ठाकुर कहते हैं एक उदाहरण देते हैं कि पंचांग में लिखा है भारी वर्षा होगा पांचे तिल के बीस जॉल टिपले अकफोटा पड़े ना भारी वर्षा होगा लेकिन पंचांग दबाने से एक बूंद भी पानी निकलता नहीं है स्क्वीजिंग द दिंगना कि यू डू नॉट गिव ए ड्रॉप ऑफ वाटर ये ड्राई एक विद्या है इट्स नॉट कॉम्प्लीमेंटेड बाई द रियलाइजेशन सो ज्ञान के बारे में कहा गया है शास्त्रार्थ ज्ञानम ज्ञानम लेकिन इसके आगे है विज्ञानम विशेष रूप ज्ञान तकनीकी ज्ञान वो क्या है तत्स्व अनुभवकरणम विज्ञानम भगवदगीता में एक चैप्टर है ज्ञान विज्ञान योग ज्ञान मतलब शास्त्रार्थ ज्ञान जो लिखा हुआ है विद्या है वो सब जान लिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से सब कुछ अधिगत किया है लेकिन तत् स्व अनुभव कराना नहीं हुआ अनुभव नहीं हुआ विज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो जीवन परिपूर्ण नहीं रहा अभी इसमें एक चीज याद रखना चाहिए कि वो जो कर्म किया है ज़रूर वो प्रशंसा है प्रशंसा रहा है इट इज़ लॉडेबल अभिनंदन योग्य है स्वार्थ व्यक्ति से वो अनेक गुण अधिक काबिल है योग्य है वर्ण्य है निस्वार्थ होकर इतने आदमी को सेवा किया पढ़ाया इतने दया दक्षिण था इतना आदमी को मदद किया जरूर वो सहारनीय है बहुत ही अच्छा कर्म किया है लेकिन हमें याद रखना चाहिए अच्छा बनना हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है हमारा जीवन का लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना एक भजन में है भालो मंदो दूटा कथा भालोटा ना हवा ही भालो पहले हमें समझ में नहीं पाया ये क्यों कह रहे हैं हम तो सब चाहते हैं अच्छा बने लेकिन साधु कह रहे हैं राम प्रसाद भालो होने की जरूरत नहीं है हमें अच्छा नहीं बनना है ये नहीं हमें बुरा बनना है बुरा बनने से तो अच्छा बनना अच्छा है लेकिन अच्छा बनना ही हमारे जीवन का आखिर लक्ष्य नहीं है और जब हम औरों को मदद करते हैं स्वामी विवेकानंद कहते हैं दे आर ओन लिव हु लिव फॉर अदर्स सबके लिए जो चीते हैं वो अच्छा है लेकिन वो आगे बढ़ने का एक प्रयास है उससे भी आगे कुछ है और जब हम और भी आगे जाते हैं हमें ये समझना चाहिए कि हम जो अच्छा कर्म करते हैं किसी को मदद करते हैं हमें लगता है अगर हम मदद ना करें उसका नुकसान होगा हमें समझना चाहिए देर इज अ गॉड इन दिस यूनिवर्स एंड नो वन इज एन ऑर्फन कोई अनाथ नहीं है सबके भगवान है या हमें गलत फर्म ही है जीवन में हर परिवार में ऐसी है महाराज अगर हम उसको ना देखें उसका नुकसान हो जाएगा कौन देखने वाला है जितना तक देखने का कार्य है करना चाहिए कर्तव्य रूप से लेकिन ये सोचते हुए कि मैं भगवान के हाथ में जान मात्र हूँ भगवान हमें ये सब कर्म करा रहे हैं उनके खुशी के अनुसार वो तो चाहे हमारे बदले में दूसरे किसी को भी करा सकते हैं आई एम नॉट द ओनली पर्सन इन इज एंड टू डू इज वर्क लेट नान अस फील दैट व इंडिस्पेंसेबल ये हमारा गलती है अगर मैं नहीं देखूंगा कौन भी कौन देखने वाला है भगवान देखने वाला है हाथ उठा लो तुम नहीं रहने से कुछ नहीं होता है मैं नहीं रहने से कुछ नहीं होता है भगवान है भगवान चला लेंगे बी हम्बल एंड बी एवर कॉन्शियस अवेयर ऑफ द ग्रेट पर्पज फॉर विच वी आर हियर ठाकुर इस आनंद का आह्वान आनंद का यज्ञ में हमें आह्वान कर रहे हैं सर्वदा हमें याद रहे कि जो ज्ञान आहरण करना ज्ञान वितरण करना ये जीवन का एक पहलू है आगे के बढ़ने का एक रास्ता है लेकिन आखिर लक्ष्य नहीं है आगे बढ़ना चाहिए और इसके बारे में और भी रोचक प्रसंग यहाँ पर उल्लेखित है जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पण मस्तु आज मंगलवार का अवसर है हनुमान जी का स्तुति होगी हनुमान चालीसा आरती के उपरांत लिपि सब दिया जाएगा आप लोग सब सम्मिलित होंगे अच्छा रहिए स्वस्थ रहिए आनंद में रहिए नमस्कार